लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ लोकभवन में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। कैबिनेट की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। दुकानों के लाइसेंस के लिए नियमावली बनी। सरकारी भांग की दुकानों को लेकर नियमावली, कर्मचारियों के स्थायी मासिक भत्ते को लेकर मंजूरी, कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बढ़ाने पर भी मुहर। और गोरखपुर में बनेगा प्राणी उद्यान, संजय गांधी पीजीआई में बनेगा 200 बेड का छात्रावास। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से। लोकभवन में अभी जो मीटिंग हुई है, अहम मीटिंग, उसमें 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें दुकानों के लाइसेंस के लिए रेगुलेशन बना दिया गया है। इसके अलावा सरकारी भांग की दुकानों को लेकर भी नई नियमावली जारी की गई है। कर्मचारियों के स्थायी मासिक भत्ते को लेकर मंजूरी दे दी गई है और कर्मचारियों का यात्रा भत्ता बढ़ाने पर भी दरअसल मुहर लग गई है। और गोरखपुर में बनेगा प्राणी उद्यान, जिसका काम शुरू हो चुका है। संजय गांधी पीजीआई में बनेगा 200 बेड का हॉस्टल। तो ये कुछ बड़े अहम प्रस्ताव जिन पर दरअसल इस कैबिनेट मीटिंग में मुहर लग गई। नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नरेंद्र, 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे बड़ा प्रस्ताव जो कहा जा सकता है, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ का जो है, यहाँ पे 200 बेड छात्रावास के लिए बढ़ाए गए हैं, जिसका प्रस्ताव पास हो गया है। और इसकी जो धनराशि है, इसका भी अनुमोदन आज हो गया है, यानी कैबिनेट ने प्रस्ताव को पर मुहर लगा दिया है। वहीं जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान था, इसके निर्माण के लिए भी प्रस्ताव पेश किया गया, वो भी पास हो गया है। ये 121 एकड़ में बनेगा उद्यान, इसको लेकर भी जो बजट की मंजूरी मिलनी थी उसको कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है, मुहर लगा दी है। वेतन समिति के सातवें प्रतिवेदन में अस्थाई मासिक भत्ते के संबंध में संस्तुतियों का प्रस्ताव जो था वो पास हो गया है। अब इनको यात्रा भत्ता बढ़ा दिया गया है कई स्तरों से। इस तरीके से ये 3 जो कैबिनेट में प्रस्ताव थे वो भी पास हो गए हैं। वहीं प्रयागराज में एक पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जिसको गिराकर ध्वस्त करके नया पीएससी बनाने का प्रस्ताव था, वो भी कैबिनेट में पास हो गया है। इस पे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो थे सिद्धार्थनाथ सिंह बता रहे थे कि उनके जिले का है, उनका वहां से लगाव है, उन लोगों ने बनवाया था, उनके परिजनों का मामला था, इसकी भी मंजूरी उन्होंने दे दी है। अब यहाँ पे एक नया अस्पताल बनेगा। इस तरीके से प्रयागराज के उस एरिया में अस्पताल की व्यवस्था कर देगी सरकार। वहीं उत्तर प्रदेश का जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय था, जिसका नाम बदला गया, विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया था, और अब तक ये सरकार की अनुदान सूची में नहीं था, इसको सरकार कोई सहायता नहीं दे सकती थी, लेकिन आज। बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव इस पूरी जानकारी के लिए आपका।